कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की पार्टी की कमान संभालते ही पार्टी में काफी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस बदलाव में दो भाई एक बार फिर साथ आ सकते हैं। सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद और राहुल गांधी के चचेरे भाई वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस पर फैसला राहुल गांधी को खुद लेना है। आपको बता दें कि वरुण गांधी हो या फिर राहुल गांधी, दोनों की तरफ से कभी खुले तौर पर एक दूसरे के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं हुई है। यही कारण है कि इस तरह की बातों को और तवज्जो मिल रही है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो गांधी परिवार करीब 35 साल बाद फिर एक साथ होगा। आपको बता दें कि वरुण गांधी समय समय पर अपनी बात रखते आए हैं। हाल ही में रोहिंग्या मुद्दे पर उन्होंने केंद्र सरकार की लाइन से अलग हट के बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत को रोहिंग्या मुसलमानों की मदद करनी चाहिए और अतिथि देवो भव का पालन करना चाहिए। इससे पहले भी वरुण गांधी यूपी चुनाव के दौरान भी समय समय पर अपना शक्ति प्रदर्शन करते रहे हैं। बावजूद इसके बीजेपी ने उनकी बात को तवज्जो नहीं दिया और यहां तक कि स्टार प्रचारकों की सूची में भी उनका नाम शामिल नहीं किया गया था, जिसके बाद से वरुण गांधी लगातार नाराज चल रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि वरुण गांधी की मां मेनका गांधी और इंदिरा गांधी के बीच के रिश्ते हमेशा तलखी भरे रहे हैं और संजय गांधी की मौत के बाद ज्यादा दिन तक सास बहू का रिश्ता नहीं चल सका और मेनका गांधी हमेशा के लिए इंदिरा परिवार और कांग्रेस से अलग हो गई। अब 35 साल बाद अगर दोनों परिवार एक होते हैं तो देश की सियासत में ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वैन टुडे। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।